जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेस में। जो इकोनॉमिक्स में बात कर रहे थे, इसके पहले वाले वीडियो में हमने इन्फ्लेशन के जो मेज़र करने के लिए, इन्फ्लेशन पता करने के बारे जो बताया था, वो हमने बताया था इन्फ्लेशन WPI, ठीक है, होल सेल प्राइस इंडेक्स, यानी कि जो आपका होल सेल जो प्राइस इंडेक्स पर कैसे पता किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिए, कोई भी इन्फ्लेशन मेजर करने के आपके दो तरीके हैं, एक आपका है WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक आपका है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। आपका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये आपका खुदरा मूल्य पे, यानी खुदरा जो आपका कह सकते हैं कि जो हम नॉर्मली जो भी चीज़ें यूज करते हैं, ठीक है, एक आपका थोक आता है, तो ये आपका होलसेल पे है और ये आपका खुदरा पे है, ठीक है। तो देखिए, दो इसमें क्या होता है कि हम चीज़ों को मतलब एक बास्केट में कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, कितने आइटम्स हम उसमें ले रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें यूज की जाती हैं। तो जब हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम लोग मेजर करते हैं, तो आज के समय में सबसे इम्पॉर्टेंट आपका यही है, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए, हम जब उसमें लेते थे आपका WPI, तो WPI में हम लोग सिर्फ गुड्स को लेते थे, ठीक है, सर्विसेज उसमें हम ऐड नहीं करते थे। इसमें क्या है कि इसमें गुड्स यानी कि आपको जो वस्तुएं हैं और आपको जो सेवाएं हैं यानी जो सर्विसेज हैं, उनको भी हम इसमें इन्फ्लेशन में ऐड करते हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका CPI, ठीक है। अब देखिए, इसके बास्केट में हम लोग गुड्स और सर्विसेज दोनों को ऐड करते हैं। तो जब हम गुड्स और सर्विसेज दोनों को यूज करते हैं और इसे खुदरा लेवल पे हम लोग इसे मेजर करने की कोशिश करते हैं, तो इसके अंतर्गत बहुत ब्रॉड लेवल पे आ जाता है, बहुत बड़े लेवल पे आ जाता है। तो इस चीज़ को हम कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4 इंडिकेटर यानी कि 4 आधार पे हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है। पहला है आपका CPI, IAIW यानी कि आपके जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, ठीक है, आपके जो औद्योगिक जो वर्कर्स हैं उनका। दूसरा आपका है CPI RL यानी आपके जो रूरल लेबर हैं, यानी आपके जो ग्रामीण जो श्रमिक हैं उनका अलग होता है। तीसरा आपका है CPI एग्रीकल्चरल लेबर यानी कि आपके जो कृषि से रिलेटेड जो आपके श्रमिक होते हैं उनको अलग लिया जाता है। और दूसरा है आपका CPI अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉई, आपके जो शहरी जो कर्मचारी होते हैं उनका अलग लिया जाता है। तो ये 4 आधार UNME यानी आपके 4 आधार पे अलग अलग आपका निकाल कर इसे जो आपका CPI है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसमें कितना इन्फ्लेशन है वो आपका पता किया जाता है, ठीक है। तो जो आपका पहला है CPI IW यानी कि CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ठीक है, इसमें आपका जो बास्केट होता है उसके बास्केट में 260, इसके बास्केट में आपका 260 गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, 260 वस्तुएं और सेवाओं को इसमें इसके बास्केट में लिया गया है। इसका जो बेस ईयर है वो है आपका 2001, ठीक है, और पूरे भारत में लगभग इसके 70 केंद्र हैं, पूरे 70 केंद्र हैं जहां से जो आपका श्रम ब्यूरो है हर महीने वहां से आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, ठीक है। इस आधार पे ये आपका जो पता किया जाता है। दूसरा है आपका CPI RL, ठीक है, इसमें आपके जो रूरल लेबर्स होते हैं इसके अंतर्गत याद रखिएगा जो आपके बैंक के जो कर्मचारी होते हैं, ठीक है, या आपके जो एम्बेसी होता है, इन सब जगहों पे जो लोग काम करते हैं उन लोगों को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। तीसरा आपका है एग्रीकल्चर लेबर और चौथा है आपका है अर्बन नॉन मैनुअल, ठीक है। तो ये आपका जो बास्केट है उस बास्केट में अलग अलग जो आपके गुड्स और सर्विसेज हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, अगला जो आपका है CPI RL यानी कि जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल लेबर, ठीक है, इसका जो बेस ईयर है वो आपका है 1986-87, ठीक है, जो भारत के 20 राज्य हैं, 20 राज्य के आपके लगभग 600 गांव से, यानी कि याद रखिएगा कि रूरल लेबर यानी कि जो आपके ग्रामीण श्रमिक हैं उनके आधार पर निकाला जाता है इन्फ्लेशन। तो आपके जो 20 राज्य हैं भारत के, 20 राज्य के लगभग 600 गांव से जो डाटा है वो हर साल इकट्ठा किया जाता है, जो आंकड़े होते हैं वो हर महीने इकट्ठे किए जाते हैं। इसके अंतर्गत जो इसके बास्केट में आपके लगभग 260 कमोडिटी यानी कि 260 मदें रखी गई हैं, ठीक है। अगला है आपका CPI AL यानी कि आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबर यानी कि आपके जो खेतिहर मजदूर हैं, ठीक है, यानी कि आपके जो कृषि से जो सम्मिलित जो आपके संलित जो आपके मजदूर हैं, लेबर हैं, उसके क्या है, इसका भी आपका बेस ईयर जो है 1986-87 और सेम 20 राज्यों से 600 गांव से जो आंकड़े हैं वो हर साल इकट्ठे किए जाते हैं और इसमें भी आपके जो कमोडिटी हैं, जो मदे हैं वो 260, इसके बास्केट में भी आपके 260 मदे हैं,
अगला है आपका सीपीआई यूएनएमई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन अर्बन ठीक है नॉन मैनुअल एम्प्लॉय ठीक है आपके जो नॉन कर्म जो कर्मचारी हैं आपके शहरी क्षेत्र में जो रहने वाले ठीक है। इसका आपका बेस ईयर जो है वो है आपका 1984-85। इसके पहले इसका बेस ईयर था 1960 ठीक है। और इसमें आपके जो कमोडिटी है जो मदे हैं वो है आपके बास्केट में 146 से 364 मदे रखी जाती हैं। भारत के 59 केंद्र थे जहां से ये आंकड़े इकट्ठे किए जाते थे, जो डाटा होता था जो आंकड़े होते थे वो इकट्ठा किया जाता था। लेकिन याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये है कि आपका जो लास्ट है सीपीआई यूएनएमई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, ये आपका 2011 में सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आपके केंद्रीय सांख्यिकी संघ के द्वारा इसे बंद कर दिया गया। 2011 में इसे बंद कर दिया गया यानी कि आज आपके समय में देखें तो सिर्फ आपके तीन इसमें जो स्ट्रक्चर है, तीन आपके जो इंडिकेटर्स हैं उन्हीं इंडिकेटर्स पे आपके ये चीज निकाले जाते हैं। लेकिन आपके आज के समय में लोग देखें तो आपके नए आंकड़ों के तहत नया आपका जो तरीका है सबसे अगर हम लोग बेस्ट कहें तो सबसे बेस्ट आपका यही है सीपीआई ठीक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो आपका न्यू सीपीआई के अंतर्गत चीज़ें जो इन्फ्लेशन है वो तय की जाती है, सॉरी सीबीआई नहीं सीपीआई ठीक है, इसके अंतर्गत ये आपके पता किए जाते हैं जो आपके इन्फ्लेशन होते हैं वो निकाले जाते हैं ठीक है। तो इसमें बस याद रखने की जो चीज़ें हैं वो है आपका बेस ईयर ठीक है, आंकड़े कहाँ से इकट्ठे किए जाते हैं, कितनी कमोडिटी इसके अंतर्गत आती है ठीक है। और नॉर्मली ऐसे ही पूछ देता है कि जो आपका सीपीआई यूएनएमई है इसे कौन सा मतलब किस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है, कौन जो मंत्रालय इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कब इसे बंद किया गया, तो ये सब फैक्चुअल जो क्वेश्चन होते हैं कभी कभी पूछ देता है ठीक है। तो इसके बाद वाला जो आपका न्यू इंडिकेटर है जो नए तरीके से जो पता किया जा रहा है आपका इन्फ्लेशन वो उस पर हम लोग कल बात करेंगे ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।